आज तो जल्दी खाना बना दिया है आपके डर माल कर दिया आज आपके डर जल्दी खाना बनाया तू चला से ना मैं होटल जाके खाऊं जल्दी नहीं पकाया अच्छा फ्राई माशाल्लाह जी लुक से बहुत अच्छा जी खाना लग रहा है मुंह में पानी आ गया जल्दी जल्दी बाजी डालती जाए रखती है हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आप कैसे हैं हम सब भी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैर से हैं उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैर से होंगे तो मैं शाम हो चुकी है जी तकरीबन 4 हो चुके हैं जी तो पहले तो जी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिन के वक्त तो थोड़े से बादल बने थे थोड़ी थोड़ी जी बारिश भी हुई थी और लेकिन फिर जी वो एकदम बादल उड़ गए और ये जी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा जी गर्मी पड़ रही है आजकल तो बाजी अंदर बैठी हैं जी खाने की तैयारी कर रही हैं तो जल्दी जल्दी खाना भी बना रहे हैं आपके साथ जी रेसिपी शेयर करते हैं आज की जी स्पेशल रेसिपी होगी और मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया अचानक से तो आपको दिखाते हैं जी सबसे पहले मौसम और सबसे पहले ये देखें जी ये बच्चे हैं जी यहाँ पे ये सारा दिन खेलते रहते हैं तो यहाँ से जी आपको शोर सुनाई दे रहा होगा और ये देखें जी सूरज जो है वो इस तरफ हो चुका है और ये देखें हवा देखें जी खूब प्यारी प्यारी जी चल रही है आज तो कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी जी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इधर देखें जी बादल हल्के हल्के बादल ये देखें बने हुए हैं और बहुत ही जी प्यारा मौसम हो चुका है ये दरख्त ये भी दिखा देते हैं जी कैसी हवा चल रही है ये हमारे घर के बिल्कुल पास है जी और अंदर चलते हैं जी अंदर की भी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं और ये देखिए जी लाइट आज बिल्कुल नहीं है बाजी मीना उधर बैठी हुई है और बाजी दूसरी इधर बैठी हुई है ये कटिंग हो रही है जी सब्जियों की आज सब्जियां बनेंगी जी स्पेशल चिकन के साथ चिकन गोभी गाजर आलू ठीक तो बाजी यहाँ जी सब्जियों की कटिंग कर रही है और मैं चल के जी पहले सबसे पहले चिकन वॉश कर लेती हूँ और बाजी मीना देखे जी गर्मी से निढाल होकर इधर बैठ गई है तो ये देखें जी ये चने जी हमने भिगोए हुए हैं इसके लिए आज बनानी थी चाट लेकिन जी अब चाट का वक्त नहीं है तो वो ये है जी चिकन हमारा 1.5 किलो तो इसको जी सबसे पहले वॉश करते हैं बस चिकन जी हमारा वॉश हो चुका है और इसे जी हम करेंगे मैरिनेट सिर्फ नमक मिर्च और सिरके के साथ चम्मच डालेंगे जी नमक एक चम्मच डालेंगे जी ये मोटी कुटी हुई सूखी मिर्च एक चम्मच डालेंगे जी सिरका और अब इसे जी अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स तो व्यूअर्स जब तक जी हमारी सब्जियों की कटिंग होती है यहाँ पे चिकन जी हमारा मैरिनेट हो जाएगा इसे फिलहाल जी ढाल देते हैं और रख देते हैं तो भी बस यहाँ पे हो रही है जी सब्जियों की कटिंग ये बंद गोभी है गाजर है और बाजी जो है वो आलू के छिलके पर आ रही है जल्दी जल्दी जी हमारी सब्जियों की कटिंग होती है तो फिर हम जी अपना खाना स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जियों की जी कटिंग हो चुकी है तो इधर लाइट गई हुई है जी आज बहुत मसला बन गया है फिर से उधर भी अंधेरा है और इधर भी अंधेरा है तो जल्दी जल्दी बनाए ना इतना टाइम हो गया हाँ जी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है हाँ जी ये तो घड़ी खराब रहती है अल्लाह हुक्म से 5:30 होने वाले हैं 5:30 देखे जी होने वाले हैं और लाइट 3 घंटे हो गए ढाई बजे की बिजली गई हुई है 3 घंटे हो गए बिजली ने बहुत मसला बनाया हुआ है और अभी खाना भी बनने वाला है जी सारा
तो सोच रहे हैं जी कि क्या करें, गैस भी स्लो है, लाइट भी नहीं है, खाना आज बहुत मुश्किल से बनेगा। गैस गैस नहीं है ना, गैस बहुत कम है, गैस भी बहुत स्लो है। चलो जी कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, शुरू कर दिया, बाढ़ जाएगा आज 10 बज जाने, कोई बात नहीं, 10 बजे खा लेंगे, हर रोज भी मैं 10 बज जाते हैं, चलो लेकिन आज 9 बजे 10 ना ही बजे, चलो सही है, नहीं हो जाने ही क्या, इतना तो नहीं है। तो भी बस यहाँ पे जी मैंने अपनी रेसिपी का सारा सामान रख लिया है। आज हम बना रहे हैं जी गोभी, आलू, गाजर, चिकन। आज स्पेशल रेसिपी होने वाली है जी, तो बच्चे जो ये हमारे घर में जी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और गर्मियों में जी कहते हैं जी ये वाली रेसिपी बनाए। तो सबसे पहले जी हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। तो घी गर्म हो चुका है जी, फटाफट डालते हैं जी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच के बराबर, उसे करते हैं जी फ्राई। फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जी ये प्याज, प्याज है जी 1 अदद, इसको जी हमने चॉप किया हुआ है। तो भी बस प्याज हमारे जी फ्राई हो चुकी है, तो अब इसमें डालेंगे जी चिकन, चिकन है जी हमारा 1.5 किलो, इसको जी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है सिरके में, तो अब इसको जी डाल देते हैं, इसमें नमक डाल करके करेंगे जी इसे भी फ्राई। तो भी बस चिकन को जी मैंने साइड पे कर लिया, ये साथ साथ जी हमारा फ्राई होता रहेगा, और यहाँ पे मैंने रख लिया जी फ्राई पैन, यहाँ पे करेंगे हम सब्जियों को फ्राई। ये थोड़ा सा जी घी डाल लेते हैं इसमें और इसको जी गर्म करने पर सब्जियाँ डालते हैं। यहाँ पे जी घी गर्म हो चुका है और मैं डालने लगी हूँ जी सबसे पहले बंद गोभी, बंद गोभी है जी हमारी 1 किलो। तो बस गोभी जी हमारी हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है, अब यहाँ पे डालेंगे जी आलू, आलू है जी हमारे 1/2 किलो, जिनके भी हमने इस तरह क्यूब्स में कटिंग की हुई है, अब इसको डाल देते हैं जी इसमें। अभी बस आप डालेंगे जी इसमें 2 अदद गाजर है, इसकी कटिंग की हुई है, तो आप इसको जी डाल देते हैं, इसे भी फ्राई करते हैं। देखिए जी आलू गोभी और गाजर को जी मैंने यहाँ पे फ्राई करके रख लिया है, तो इसके ऊपर दे देते हैं जी ढक्कन, और मैंने चिकन को यहाँ पे रख लिया, इसमें आप डालेंगे जी नमक। तो अभी वैसे नमक जी हमने डाला हुआ है, नमक नहीं डालेंगे, बाकी मसाले जी अब हम डालेंगे इसमें। 1/2 चम्मच डालेंगे जी हल्दी, 1 चम्मच डालेंगे जी सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे जी सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 चम्मच डालेंगे जी पिसा हुआ जीरा, और अब तमाम मसालों को जी करेंगे अच्छी तरह मिक्स। तो अभी बस चिकन जी हमारा 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें जी हम डालेंगे ये तमाम सब्जियां जो हमने फ्राई करके रखी। और अब इन सब्जियों को और चिकन को जी हम करेंगे फ्राई। तो अभी मैं 2 मिनट का जी दम लगाते हैं ताकि हमारे आलू, गाजर और जो गोभी है जी वो चिकन के साथ जी बिल्कुल वो यकजान हो जाए और थोड़े से गल जाए। तो भी ये है जी सोया सॉस, और ये जो टमाटर हमने ग्राइंड किए हैं इसमें जी हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। और फिर जी अब हम डाल देंगे ये टमाटर इसमें। और ये देखिए भी बस हमारी हड्डियाँ जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब डालेंगे जी वो प्याज जिनके हमने इस तरह कटिंग की हुई है, ये 1 अदद है जी, आप इसको जी डाल देते हैं। ये है जी हमारी सब्ज मिर्चें, थोड़ी सी डाल देंगे जी, इसको जी अब हम लगाएंगे दम। सारी चीज़ें जी मैंने डाल दी हैं और अब आँच को काट देते हैं जी काउंट, और ये अब हल्की आंच पे हमारे प्याज गलते रहेंगे जी और मिक्स होंगे जी। बाजी है, बाजी रोटी बनाने लगी है, दोनों बाजियां जी वहाँ पे बैठी हुई हैं, तो गप्पे लगा रही हैं जी आज। गर्मी बहुत ज्यादा है बस इसलिए जी आज बस आज कल बहुत बुरा हाल हो रहा है। बाजी जल्दी से रोटी बना ले। अच्छा
तो हंडिया सा सा पत्ती लहसुन अदरक दो ना चलो इस चूल्हे पे जी मैं रख रही हूं हंडिया तो अभी बस यहां पे जी थोड़े से बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो इनको साथ साथ वॉश करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जी फिर सिंक पे जगह नहीं रहती कोई चीज भी रखने की तो इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं जी वॉश बर्तन जी मैंने वॉश कर लिए और अब इन चीजों को जी यहाँ से और मजीद साफ करते हैं और यहाँ पे जी बाजी बनाने लगी है जी रोटी तो अभी बस दो मिनट हो चुके हैं जी तो आप इन प्याज जो है हमने ऊपर से डाले अभी इनको भी जी मिक्स कर देते हैं तो अभी बस हमारी हंडिया जी तैयार हो चुकी है मैंने जी यहाँ पे निकाल के आलू को भी चेक किया है और बोटी बोटी तो अभी से ये हमारे पास थोड़ा सा जी को देना है तो ये डाल देते हैं थोड़ा सा जायके के लिए और ये है जी सब्ज मिर्चें दो अदद होंगी जी ये भी डाल देते हैं आधा चम्मच जी डाल देते हैं गरम मसाला देते हैं जी बाहर तो इसको दे देते हैं ऊपर ढककर हमारी रोटियां पक चुकी हैं और ये एक देनी है दो दे दें चलो ये तो सीख को जी खाना देते हैं क्योंकि उसने जाना है जी काम पर और ये देखें जी हमारी जी रेसिपी के लुक माशाल्लाह बहुत अच्छी है चले जी तो सीख का जी खाना आ गया है और देखिए जाए बहुत गर्मी है पंखे आप लगाने पड़ते हैं और हम जी ठहर के खाना अपना लगाते हैं तो ये देखें जी बाजी ने तो आज टाइम से रोटियां बना ली हैं बस खत्म आज टाइम से खाना पक गया है ना आज टाइम से ही नहीं खाना बन गया रेसिपी एक सी ना और आसान भी थी आसान से जल्दी जल्दी पक गई चले फिर ये चूल्हे से चीजें लेकर उधर चलते हैं ठीक है तो बस अब ये खाना जी वहाँ पे लगाते हैं चटाई और वहाँ पे जी शिफ्ट करते हैं सारा कुछ आज तो जल्दी खाना बना दिया है आपके डर कमाल कर दिया आज आपके डर जल्दी खाना बनाए मेरे डर जी 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 आपने बोला नहीं है कि जल्दी खाना बनाए कहा था तू नर्स चला से ना बार बार मैं होटल पे जाके खाना तुझे जल्दी नहीं पकाया और यहाँ पे जी बाजी बना रही है चाय बाजी मीना के लिए और ये आ गए जी उनके लिए रस क्योंकि बाजी की तबीयत खराब है थोड़ा हैजे की शिकायत हुई हुई है ठीक है दवाई ले अस्पताल गए चलो ये भी साथ खाएंगी ना तो आराम गर्मी जी गर्मी की वजह से शायद जी वो पानी की थोड़ी हो जाती है कमी पेशी और बाजू मीना वैसे जो बैठी हुई अपने साथ भी बैठ गए हैं खाना वैसे चीजें रख ली है बस चाय बनती है तो फिर जी खाना खाना स्टार्ट करते हैं नहीं जी हैवी खाना नहीं खाना रोटी नहीं खानी चले जी माना जी खाना लग चुका है माशाल्लाह जी और हम खाने के लिए बैठ चुके हैं तो डालते हैं जी खाना और आपके साथ शेयर करते हैं आज की रेसिपी किस तरह होगी और ये देखिए जी लुक हमारी जी रेसिपी की गोभी आलू चिकन गाजर माशाल्लाह जी लुक से तो अच्छी लग रही है आप खाएंगे तो फिर पता चलेगा जी इसका टेस्ट कैसा है रहमान रहीम चलो जी ये देखिए जी और बहुत जबरदस्त खुशबू वाह जी वाह आज तो बहुत खुशबू आ रही है बहुत मजेदार बना है गर्मियों वाला खाना है सब्जियों का खाना जी है देखें जी हाँ जी चिकन कितना मजेदार हर चीज और ये बाजी जी इधर अपना स्टार्ट कर लेती हैं जी खाना और इधर हम अपना डालते हैं जी खाना
माशाल्लाह जी, लुक से बहुत अच्छा जी खाना लग रहा है, मुंह में पानी आ गया। जल्दी जल्दी बाजी डालती जाए, रखती जाए। गर्मियों में जी यही सब्जियां अच्छी लगती हैं, क्यों जी? हाँ जी, बहुत मजेदार लगती हैं। हाँ जी, गर्मियों का खाना ये स्पेशल खाना होता है। बंद गोभी जी बहुत मजेदार लगती है, और इसमें शिमला मिर्च आज नहीं डाली क्योंकि उस दिन हमने शिमला मिर्च डाली थी। आलू डाले हैं, चिकन डाला है, बहुत जबरदस्त खाना है जी ये वाला। और ये देखें जी, प्लेटों में खाना आ चुका है। तरीब से जी आपको दोबारा से इसकी लुक चेक करवाते हैं, बहुत खूबसूरत लुक आई है जी। और ये जी, और ये अभी बच्चों को जी डाल के देंगे। चले जी, तो खाना खाते हैं जी, और आपके साथ जी शेयर करते हैं। जल्दी जल्दी खाएं जी, गर्मी भी आ रहा है बहुत ज्यादा। फिर जी इसमें गाय रखी का डाल कर आप क्या कमाल का बना है साला। बहुत जबरदस्त खाना बना है जी, बहुत मजे जी, टेस्टी सा खाना ये गोभी के साथ बन जाता है, और गाजर का भी जी अपना ही टेस्ट है। ये वाली खाना हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, जिसमें गोभी हो और गाजर हो, साथ चिकन भी हो। तो गर्मी है जी, तो कोशिश होती है कि इस तरह का खाना बने कि जो बंदा खा सके। और हस्बैंड और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये जो खाना है और ये जो रेसिपी है जी स्पेशल जो हमने बनाई है, जरूर पसंद आएगी। आप भी जी इसी तरह बनाएं और घर में ट्राई करें, हमारे साथ शेयर करें। तो आपसे जी आप इजाजत चाहेंगे, और जितने हमारे बहन भाई दोस्त हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, जो नहीं भी करते जी, सब प्रेज़ अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे पहले जितना अच्छा खाना खाने पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। और प्लीज जी हमारे जितने बहन भाई हैं वो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि हमारे जी मजीद हौसला अफजाई हो। और इंडिया से और बैरून मुल्क से जी जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त हमारे हमें जो जी कमेंट्स करते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और पाकिस्तान से भी जी हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं जी, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इजाजत दें जी। तो ठीक है, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह।